भी हमने जो फिल्में लिखी हैं उसमें मेरे साथ बंटी इश्तियाक बंटी जो डायरेक्टर हैं उसका काफ़ी योगदान रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से भी, स्क्रीन प्ले स्टोरी के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। तो बस वही चीज़ यहाँ आ गई है, सिर्फ मेरी जगह वो डायरेक्टर है और मैं इस फिल्म का राइटर हूँ। सब्जेक्ट में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और मुझे मालूम था ये सब्जेक्ट खासकर यंग जनरेशन का रोमांटिक सब्जेक्ट है और बंटी का जो टैलेंट था उस सब्जेक्ट से बहुत मैच खाता था। तो उसने और उसको मैंने जितना सोचा था उससे कहीं कहीं ज़्यादा उसने उस चीज़ को पूरा और मेहनत की है फिल्म की। आप कई बार आपको लगेगा भोजपुरी में एक टेकिंग डिफरेंट ढंग का मतलब तकनीकी तौर पे एक डिफरेंट टेकिंग, खूबसूरत टेकिंग और सब्जेक्ट को जस्टिफाई करते हुए लिखा है। शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता क्योंकि मेरा इमोशनल ट्रैक पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लेकिन इसने जो रोमांटिक्स थी उसमें कॉमेडी एक्शन म्यूजिक हर चीज़ और आर्टिस्टों से जो परफॉर्मेंस लिया वो काबिले तारीफ है। असलम जी, कहानी की अगर मैं बात कर लूं, हर डायरेक्टर हर लेखक कहता है मेरी कहानी दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग है, आप क्या कहेंगे कहानी को? मैं ये नहीं कहूंगा मेरी कहानी अलग है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेरी कहानी का प्रेजेंटेशन दूसरी फिल्मों के प्रेजेंटेशन से काफी मुख्तलिफ है, काफी डिफरेंट है, कहीं दूर दूर तक कोई मेल नहीं आता है। और एक रोमांटिक सब्जेक्ट बहुत से लोगों ने किया, उसमें बहुत सारे विवाद रहे, लेकिन ये दो जनरेशन का सब्जेक्ट है और किस तरह हमने जस्टिफाई किया मोहब्बत को और किस तरह मोहब्बत जीतती है, प्यार की जीत होती है, उसको जस्टिफाई किया है और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा ताना बुना बन चुका फिल्म का। बंटी आपके बेटे हैं, कोई खास ट्यूटोरियल, कोई खास उन्होंने आपने उनको सलाह दी हो इस फिल्म के लिए? जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जैसे हम डायरेक्टर बने तो हमने डेढ़ दो ढाई तीन फिल्म की हैं और डायरेक्टर बन गए, लेकिन बंटी को मौका बहुत अच्छा मिला। 17 फिल्में उसने मेरे साथ की, फिर सतीश जैन जी की निरवा हिंदुस्तानी और निरवा रिक्शावाला 2 भी उसने एज एसोसिएट डायरेक्टर किया है, साउथ के सुब्बा राव जी के साथ 6 फिल्म की। तो जिस शख्स को, जिस लड़के को 25-27 फिल्मों का अनुभव हो तो मैं नहीं समझता उसको आईना दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एक आखिरी सवाल जी, खेसारी और स्वीटी की जोड़ी है फिल्म में, क्या कहते हैं? पहली बार ये दोनों साथ में आए हैं और सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस जोड़ी को बहुत पसंद करेंगे। धन्यवाद असलम जी, थैंक यू। इसमें एक्शन नयापन एकदम एक्शन निकला है, अच्छा फाइट किया हम लोगों ने और बंटी जी बराबर समझाते थे हम लोगों को कि कैसा करने का, एक्शन कैसा करने का, और खेसारी जी अच्छा मेहनत की, सब मिलजुल के अच्छा फाइट, बहुत अच्छा एक्शन किया। नहीं नहीं, पिक्चर में स्टोरी वैसे ही था, जबरदस्त एक्शन करना था अपना, खेसारी जी का स्टोरी था वैसे हम लोग किया और बंटी बोले कि हमको ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे एक्शन करके दिया मैंने। बंटी पहली बार निर्देशन रहे हैं, आपको लगा कि किसी नए बंदे के साथ, किसी नए डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे पुराना सरीका लगा एकदम, अच्छा लगा। खेसारी एक्शन सीन्स कैसे करते हैं? अच्छा करते हैं, कहा कि मेरे उनको सिखाया भी हूं, फाया हूं, अच्छा करते भी हैं और जो बोलता हूं करते जाते हैं। शुरू कीजिए और पूरे किरदार बारे में बताइए। इस फिल्म में मैं मुन्ना का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि डबल रोल है, यानी दो जन्मों की कहानी है और एक में मैं यंग दिखूंगा एज और दूसरे में आई थिंक एक मेच्योर्ड, आई थिंक 45 ईयर्स अलग रोल है, बहुत अच्छा रोल है। मतलब फर्स्ट फिल्म के फर्स्ट हाफ में यंग और एक्शन और जो सेकेंड हाफ है उसमें जो है आई थिंक मैं वही बताया कि 45 ईयर्स एज दिखलाया गया मेच्योर्ड, जो लड़की का जो है चाचा वाला है, फर्स्ट में भाई और सेकेंड में चाचा, बहुत अच्छा रोल है। और बंटी भाई इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इश्तियाक शेख, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब आपको देख के नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्शन कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया, मतलब एज अ फ्रेंड कैजुअली, मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम एक्टर हैं, लेट्स एंजॉय। आया भाई, फिल्म में खेसारी लाल भी है और ढेर सारा एक्शन भी, आप ही एक्शन के लिए जाने, मार पिटाई ढेर सारी करते हो फिल्मों में ज्यादातर, इस फिल्म के एक्शन सीन्स कैसे खास हैं? बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने जो
एक्शन किया है, कुछ एक्शन तो हम लोगों ने वन शॉट किया है जो आप फिल्म में देखेंगे, जो हमारा और खेसारी जी का एक्शन है गैराज में, तो काफ़ी वो लंबा शॉट है, काफ़ी जो हम लोगों ने वन शॉट दिया है। और इस फिल्म के जो है मास्टर दिलीप जी हैं, दिलीप यादव जी, कमाल के मास्टर, डाउन पर बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाते हैं सिक्वेंस को और बहुत अच्छे से करवाते हैं और सेफली करवाते हैं। आयास भाई, फिल्म रिलीज को है 9 सितंबर को रिलीज हो रही है, मुझे डेट बताई थी, ऑडियंस से क्या कहते हैं आयास? ऑडियंस से यही दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इस फिल्म में आपको मतलब कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, इस फिल्म के गाने भी सुपर हैं, तो आप प्लीज ये फिल्म जो है 9 सितंबर को देखिए और हम लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नहीं, हीरोइनों के साथ थोड़ा तो रोमांस करने को मिला है, किसी खेसारी जी से इस फिल्म में लीज बने हैं और कुछ वैसा तो है नहीं, शायद नेक्स्ट में हम लोग करें तो शायद खेसारी जी के साथ मैं रोमांस करूं। जी बात में क्यों लगा रहे हैं आप खेसारी बोलने पर? नहीं, हमारे जो है इंडस्ट्री के जो है टॉप के एक्टर हैं तो जी तो लगाना पड़ेगा। चलिए